हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल फॉर शॉर्ट हेयर, पतले बालों के लिए, हल्के बालों के लिए एंड छोटे बालों के लिए ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल। और ये मेकअप मैंने कैसे किया है, ब्राइडल मेकअप है, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। बिगिनर्स हैं और आपको सेल्फ करना है तो आप ये मेकअप कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप आप अपने घर पर कर सकते हो विदाउट इतने सारे पैसे खर्च किए। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। रात को डेली 8 से 9 बजे के बीच में मैं लाइव आती हूँ, जिसमें आपको मिलते हैं बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, मेकअप आइडियाज़, स्किन केयर, हेयर केयर और हेयर फॉल से रिलेटेड चीज़ें, जो भी आपका स्किन केयर में प्रॉब्लम है सारी चीज़ें, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। एंड मैं लगा रही हूँ आदिवासी हेयर ऑयल, तो इसका जो इफेक्ट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फुल वीडियो बना रही हूँ, 4 दिन का गारंटी दिया है इन्होंने, 4 दिन में आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, नहीं तो पूरे पैसे वापस। तो देखते हैं रुकता है या नहीं रुकता है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरीके से बालों को लेना है यहाँ पे, बहुत ही पास से, ओके, क्योंकि आज है न्यू ईयर और हम लोग को कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा हेयर स्टाइल चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं आ रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये रबर बैंड की मदद से करूँगी हेयर स्टाइल, तो उसमें से मैं ब्लैक ब्लैक हेयर रबर बैंड निकाल रही हूँ ताकि जो मेरे बालों से मैच हो जाए। एंड आपको भी उसी तरीके से मैचिंग रबर बैंड निकालना है। कस्टमर है, हैं कस्टमर, अच्छा ठीक है, आ गई। क्या करवाना है? सबसे पहले आपको यहाँ से हेयर को उठाना है और एक रबर बैंड लगा देंगे यहाँ पे। इसमें इस तरीके से हॉल करेंगे एंड नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ खींच लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद से इसमें थोड़ा थोड़ा हेयर को ऊपर की तरफ खींच लेंगे, जिससे कि जो आपका फ्रंट का पार्ट है वो फ्लैट ना हो, फ्लैट दिखाई ना दे। फिर सेकेंड लेयर लेंगे, एंड अगेन यहाँ पे भी एक रबर बैंड लगा देंगे। इसमें भी एक हॉल करेंगे एंड इस तरीके से पीछे की तरफ खींच लेंगे एंड इसको टाइट कर देंगे, ओके। अगेन यहाँ पे एक रबर बैंड लगाएंगे, एंड इसमें भी हॉल करेंगे, ऊपर की तरफ खींच लेंगे एंड टाइट कर देंगे। सेकेंड साइड भी, इस तरीके से साइड का जो रबड़ बैंड है वो मैंने ज़्यादा ही लूज कर दिया था, ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से आपका भी खुल सकता है हेयर स्टाइल। न्यू ईयर पार्टी के लिए तो बेस्ट रहेगा ये जो हेयर स्टाइल है। और कंफर्टेबल का कंफर्टेबल रहेगा, अगर आपके बाल बहुत घने हैं तो आप पोनी बना के छोड़ दीजिएगा इसके साथ, और अगर मेरी तरह छोटे हैं
अगर आपको पोनी अच्छा लगे तो आप पोनी बना लीजिएगा, अदरवाइज आप बन बन बना सकते हो। इसके बाद हम लोग सारे हेयर को इस तरीके से कॉम करेंगे। बिल्कुल क्राउन एरिया पे लेके आएंगे। ओके यहाँ पे और रबड़ बैंड लगा देंगे। इस तरीके से बाल, इसके बाद अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप ऐसे ही रखिएगा, बस आपको थोड़ा सा हेयर का पार्ट लेना है एंड पोनीटेल को टाइट कर देना है इस तरीके से और एक यू पिन लगा देना है। लेकिन मेरे बाल छोटे हैं तो मैं ये पोनी नहीं रख सकती हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरीके से अगर आप पोनी बनाते हो तो। सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके पास, इसको इस तरीके से ओपन कर लिया हमने। ओके और एक डोनट बन लेंगे क्योंकि हमको बन जो है वो थोड़ा हैवी दिखाना है, तो डोनट बन ले लिया हमने। और इस तरीके से फ्रंट की तरफ थोड़ा आगे की तरफ इस तरीके से पुल करेंगे जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल का लुक है वो अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद इसको यू पिन से सिक्योर कर देंगे पोनी के साथ ही। तीन चार यू पिन अच्छे से लगा दीजिएगा। बहुत इजी है और बहुत स्टाइलिश भी लगेगा। अब आपको सारे बालों को इस तरीके से फैला लेना है। ओके टाइट लुक तो हमको देना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे हम लोग अक्सर डोनट बन लगा के रबड़ बैंड लगा के इस तरीके से लुक देते हैं, लेकिन वैसा आपको नहीं करना है। आपको सिंपली इस तरीके से लेके जाना है हेयर को, सारे हेयर को। और सिंपली चारों तरफ लपेट के बन के और यू पिन से सिक्योर कर लेना है। काफ़ी अच्छा सा स्टाइलिश सा बन बन के आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा और न्यू ईयर पार्टी के लिए बेस्ट लगेगा। आप इसको इंडियन वेयर के साथ भी बना सकते हो एंड वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी बना सकते हो। काफ़ी प्यारा सा आपका बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। हाँ हाँ तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये बन हमारा, और बहुत सबसे अच्छी बात है कि बहुत इजी है इसको बनाना और आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको बना के पार्टी वगैरह में जा सकते हो। तो आपको कैसा लगा? ये बन हेयर स्टाइल हमारा, आई होप कि पसंद आए हो, हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ट्राई ज़रूर कीजिएगा। किसने किसने ट्राई किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ एंड नेक्स्ट मेकअप ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और ये खुलेगा नहीं, देख के आपको लग रहा होगा कि खुल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें अच्छे से यू पिन ऐड कर लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। लॉन्ग टाइम पूरा दिन आप इसको बना के रख सकते हो। बाय बाय।